हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस बाकी के बचे हुए इसमें फेस में शेडिंग और लिप्स में शेडिंग और हेयर में शेडिंग करेंगे, ईयर में करेंगे, क्लॉस में जो भी हो कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिप्स में शेडिंग करेंगे। तो लिप्स में शेडिंग करने के लिए कोई डार्क पेंसिल, थोड़ी डार्क पेंसिल लेके लिप्स में शेडिंग कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो मैंने लिप्स में तो शेडिंग कर दी है, अब हम शेडिंग करेंगे पूरे फेस में। तो फेस में शेडिंग करने के लिए पूरे फेस में एक बेस लेयर सेट करनी पड़ेगी, आई के नीचे और यहाँ छोड़ना है, जितनी लाइनिंग है वहाँ छोड़ना है बस, और सभी जगह करनी है। तो मैं एक बेस लेयर सेट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे फेस में एक बेस लेयर सेट कर दी है, अब हमें इसको करना है ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे फेस में एक बेस लेयर सेट कर दी है, उसमें ब्लेंडिंग भी कर दी है। अब हम इस किनारे वाले पार्ट में हल्की पेंसिल से शेडिंग करेंगे। तो हल्की पेंसिल से शेडिंग करने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे फेस में शेडिंग कर दी है, अब हम शेडिंग करेंगे नेक में और क्लॉथ में भी शेडिंग करेंगे। तो मैं नेक में शेडिंग करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने नेक में और ये आप देख सकते हैं टी शर्ट के कॉलर में शेडिंग कर दी है। अब हम शेडिंग करेंगे बालों में। तो बालों में शेडिंग करने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फाइनल स्केच नहीं, अभी हमें कान में शेडिंग करना बाकी है। तो कान में शेडिंग करने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। भूलकर फाइनल स्केच कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फाइनल स्केच, आपको मैं दिखा देता हूँ बाल से टी शर्ट तक, आप देख लो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो।